सीना रिवर, यहाँ पे एक पुल था, वो पुल पूरा पानी के नीचे आ चुका है। आपने शायद पिछली वीडियो में देखा होगा, तो इसको मैं ऐसे ही अपलोड करूँगा। सब लोग यहाँ पर रुक के देख रहे हैं अभी। अपनी डार्लिंग के साथ आया हूँ एक्टिवा लेके, कहीं निकल रहा था तो यहाँ पे ये नज़र आए। और यहाँ ये जो ब्रिज है ये हिलता है पूरा, अगर ट्रक बाजू से गुजरे तो अप एंड डाउन हो जाता है सस्पेंशन की तरह का, तो वो फील ले लिया मैंने। अभी डर गया था, एक तो नीचे पानी है और ऊपर से ब्रिज हिल रहा है, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। अभी भी हिल रहा है, देखो ट्रैक्टर जा रहे हैं बाजू से। इसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो चुकी है, पूरे खड्डे वगैरह गिरे हुए। यहाँ पर एक गाड़ी अटकी हुई है, नहीं पता कौन सी है, बहुत लंबी है। कहाँ से बह के आया है या वहीं पे है कुछ पता नहीं। नेशनल हाईवे नंबर 13 सोलापुर विजापुर, ये हाईवे है, इसके बाजू में ही ब्रिज बन रहा है अभी। ये देखो यहाँ पर कुछ शेड बह के आया है अभी, पता नहीं कहाँ से आया है। ये देखो गया, डूब गया पूरा पानी में। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बहते हुए आ रही है, यहाँ पर रुकना मुझे भी रिस्की लग रहा है, तो मैं भी निकल लेता हूँ अभी। बहुत से लोग रुके हुए हैं, लेकिन जब गाड़ी बाजू से गुजर रही है तो ये सस्पेंशन वाला ब्रिज ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे। वैसे तो मज़बूत है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर से सस्पेंशन, दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा भी। तो ऑलमोस्ट ये वीडियो 3 मिनट का बन चुका है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, यूट्यूब पे देख सकते हो। बहुत सारे बाइकर्स भी आ रहे हैं यहाँ से, चले गए आगे पीछे जो राइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो ब्रिज है पूरा चला गया। अगर आपने सीना नदी का ब्लॉग नहीं देखा होगा पिछली बार, तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में, तो आप देख सकते हो। उस ब्रिज से मैं चलते गया था, वहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह खींची थी, वो ब्रिज ही नहीं दिख रहा है अभी, छोटा सा पुल था जहाँ पर पानी रोक लेते हैं वो वाला। इधर से जाने का दिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन रुक भी नहीं सकता ज़्यादा। ये नज़ारा देख के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत लोगों का नुकसान भी हो चुका होगा ऐसा लग रहा है, पूरा खेतों में पानी चला गया है। चलिए ठीक है,
आपको जल्दी से नया वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ आपके लिए। ट्रैवलिंग तो बंद है फिलहाल कोविड की वजह से, तो जैसे ही कोविड खुल जाएगा तो टूरिस्ट पॉइंट हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।